सिरसा में चोरों के हौसले एक बार फिर से बुलंद हैं। एक बार फिर चोरों ने पुलिस को चुनौती देते हुए एक स्वर्ण व्यवसायी के आवास पर सेध लगाई है। मिली जानकारी के अनुसार नौरिया बाजार में शनिवार देर रात स्वर्ण कर पवन सोनी के घर से चोर लाखों रुपए के सोना चांदी वे नकदी के साथ साथ 1.5 क्विंटल वजनी तिजोरी भी चुरा कर ले गए। पवन सोनी का परिवार बेंगलोर गया हुआ था। चोर करीब 2 बजे घर में दाखिल हुए और आधा घंटा तक पूरा घर खंगाला और कीमती सामान पर हाथ साफ कर डाला। हालांकि वारदात को अंजाम देने वाले सीसीटीवी में कैद तो हो गए, लेकिन उनके चेहरे ढके हुए हैं। सूचना मिलने के बाद पुलिस की अलग अलग टीमों ने मौके का मुआयना किया। सीसीटीवी और उंगलियों के निशान के आधार पर पुलिस ने जाँच शुरू कर दी है। ये मेरी सिस्टर का मकान है, रजनी सोनी और पत्नी पवन सोनी। रात करीब 10 बजे, शनिवार रात करीब 10 बजे जयपुर गए हैं यहाँ से, और जयपुर से आगे बेंगलोर जाना था। और मकान के ताला लगा के गए अच्छी तरह से, सभी कमरों के ताला था। सुबह जो मेरे जीजाजी के पिताजी है मदन लाल जी, जब 7 बजे पहुँचे, कूड़ा वगैरह डालना था बाहर, देखा कि मकान के ताला नहीं है, गेट खुले पड़े हैं दोनों। फिर उन्होंने अपना लड़का जो साथ वाली गली में रहते हैं, उनके छोटा लड़का प्रमोद सोनी को फ़ोन करा। फिर मेरे पास फ़ोन आया उनका, तो हम मौके पहुँचे करीब 7:15 बजे, तो देखा तो सामान बिखरा हुआ है सारा, और तिजोरी जो अंदर 1.5 क्विंटल तिजोरी थी वो भी यहाँ से गायब है। और संदेह है कि चोर इसको जो घसीट के साथ ले गए हैं रात को। करीब 600 ग्राम चांदी है और 50 ग्राम सोना और 5,000 रुपये कैश है जो लेके गए। सारा सामान अस्त व्यस्त है, सभी कमरों के ताले टूटे पड़े हैं। ताले एक ताला छोड़ गया, बाकी ताले साथ ले गए सारे चोर। सीसीटीवी कैमरे की फुटेज निकाली है हमने साथ वाले मकान से। करीब 2 नकाबपोश जो व्यक्ति है वो दिखाई दे रहे हैं इसमें, कि जो मोटरसाइकिल पे आ रहे हैं और बाद में जो है मोटरसाइकिल पे वापस गए हैं। पुलिस मौके पे पहुंच गई है, फिंगरप्रिंट जो है विशेषज्ञ बुलाए गए हैं। शातिर चोर सीसीटीवी से बचने के लिए 1.5 क्विंटल वजनी तिजोरी को घसीटते हुए घर के दूसरे दरवाजे से उठा कर ले गए। फिलहाल पुलिस अपनी कार्रवाई पर जुटी है और जांच कर रही है। न्यू न्यूज़ फॉर यू के लिए सिरसा से डॉक्टर गुलाब सिंह की रिपोर्ट।